सो गाइस, मैं आपका दोस्त मुर्शिद राज वापस आ गया गणेश भाई का 10 ऐसे सवाल को लेकर जो अक्सर सभी लोगों के माइंड में अभी चल रहा है और उसका जवाब कहीं पे मिल नहीं रहा है, लेकिन मैं दूंगा उसका जवाब। सो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और मैं आपको बता दूं, एक सवाल ऐसा भी है इसमें जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। सो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना, स्किप बिल्कुल भी मत करना। तो चलिए सीधे पॉइंट पे आते हैं। तो मैं आपको बताता चलूं कि गणेश भाई से रिलेटेड मैंने बहुत सारे टॉपिक को कवर किया, इनके स्टोरी के बारे में बताया है, इनके फैमिली के बारे में बताया है। तो आपने अगर उस वीडियो को नहीं देखा, सो बहुत सारे वीडियो है, आप सभी को देख लेना जरूर, और आपको आई बटन पे भी कभी कभी शो होगा, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहां से भी देख सकते हो। मैंने पिछली कई वीडियो बनाया, सभी वीडियो में अक्सर एक सवाल कॉमन था कि इसे किसने धोखा दिया, इसका पूरा स्टोरी बताओ। तो गाइज, मैं आपको बता दूं कि अभी तक पूरा क्लियर नहीं हुआ है कि किसने धोखा दिया, लेकिन ये बात तो क्लियर है कि अगर किसी ने धोखा दिया तो लड़की ही धोखा दी होगी, क्योंकि लड़की से ही प्यार किया होगा ना। और उसके बाद कुछ लोग कहते हैं कि लड़की के बारे में बताओ, उसका फोटो दिखाओ। सो गाइज, ये इम्पॉसिबल है। अगर कोई मीडिया वाला भी उसके पास जाता ना, तो वो भी इस चीज को नहीं दिखाएगा, क्योंकि यार जो बीत गया सो बीत गया, और उस लड़की को इसकी वजह से अब बदनाम नहीं किया जा सकता। उसका ना फोटो दिखाया जाएगा, ना ही नाम बताया जाएगा, सिर्फ इतना बताया जाएगा कि हाँ, इसे किसी लड़की ने धोखा दिया था। क्योंकि यार इसे जिसने भी धोखा दिया होगा ना, आज इसकी पॉपुलैरिटी को देखकर जल भून के तो यूं ही खाक हो गई होगी। क्योंकि यार जो किसी को धोखा देता है ना, और बाद में जब वही बंदा या वही बंदी जब आगे चल के कुछ बड़ा कर जाता है ना, तो उसे इतना अफसोस होता है जिंदगी में जितना किसी को नहीं होता। एक जीता जागता सबूत है हमारे गुरु रंधवा, जो कि सिंगर है, इनके बारे में तो आप जानते ही होंगे। कॉलेज टाइम में इन्होंने एक लड़की को प्रपोज किया था और उनके लिए सॉन्ग भी लिखा था, उसने इनके प्रपोज को ठुकरा दिया था। फिर ये बंदा के दिल में आग आ गई और इन्होंने अपने मेहनत से अलग ही एक मुकाम बनाया, ऐसा मुकाम सबसे कम उम्र में, बहुत कम लोग बना पाते हैं। और वो लड़की फिर इसे कॉल भी की थी, फिर इन्होंने उसे पहचानने से इनकार कर दिया था। सो गाइस, यहां पे मैं एक बात बताना चाहूंगा, अगर आप किसी से प्यार करते हो, उसे निभा नहीं सकते, तो प्यार ही मत करना। आप किसी के साथ तो खिलवाड़ कर लोगे, लेकिन उसका जिंदगी बद से बदतर हो जाता है। सो इसका जिम्मेदार अगर आप होगे तो ऊपर वाला सब देखता है, उसका भी आपको सजा मिलेगा। बहुत सारे लोग हमसे पूछ रहे थे कि इसके फैमिली वाले कहाँ है। तो गाइज, मैंने पिछली वीडियो में इसके फैमिली वाले को दिखाया था, जो कि वानी जबलपुरिया है, उन्होंने बहुत हेल्प किया था गणेश भाई का, उन्होंने अपने आईडी पे दिखाया था, मैं यहाँ पर भी दिखाया था, तो एक बार और आप देख लो। तो इनका फैमिली उसके घर से आए थे मिलने के लिए, उसके बाद इन्होंने एनजीओ वाले के पास भी गया था। अगर ये बंदा पागल हो गया था और एमपी में ही था, उसके घर से कुछ ही दूर पर, तो इसके फैमिली वालों ने इसे इतने दिन तक ढूंढा क्यों नहीं? तो ये बहुत बड़ा सवाल था, ये सवाल मेरे भी जहन में आ रहा था, लेकिन इसका जवाब मैंने पिछले कई दिनों से ढूंढने की कोशिश की, कई लोगों से बात करने की कोशिश की, लेकिन मुझे अभी तक हकीकत पता नहीं चला। तो ऑन द बेसिस ऑफ सम इन्फॉर्मेशन हम लोग ये कह सकते हैं कि ये बंदा को फैमिली वाले ने इसलिए नहीं ढूंढा होगा क्योंकि वो ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए, उसका हुलिया चेंज होने की वजह से पता ही नहीं चला कि ये बंदा गया कहाँ। और अगर ढूंढने की कोशिश भी की होगी तो कुछ दिन तक ढूंढा होगा, नहीं मिलने पे सोच लिया होगा कि पता नहीं इसका कुछ हो गया, तो इस तरह से उन्होंने नहीं ढूंढा। लेकिन इसके बारे में पूरी रियल जानकारी अभी आनी बाकी है, पूरा लाइव प्रूफ के साथ मैं आपको बताऊंगा कि इसे फैमिली वालों ने आखिर ढूंढा क्यों नहीं। पांच नंबर सवाल बहुत ही गजब का है, बहुत सारे लोग हमें कमेंट कर रहे थे कि सिर्फ इसी बंदा का हेल्प क्यों किया जा रहा है, क्या ये कोई बड़ा स्टार है या ये कोई बड़ा और कुछ है, क्योंकि पागल तो और भी बहुत है इंडिया में, 40 लाख से ज्यादा है, फिर भी इसकी ही सिर्फ पर्सनली हेल्प क्यों की जा रही है। तो ये बहुत बड़ा सवाल है, उसका जवाब भी बहुत गजब का है, तो सुन लो। देखो, इस बंदे का हेल्प इसलिए पर्सनली किया जा रहा है क्योंकि ये बंदा सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था, और वायरल इसलिए हुआ था क्योंकि मर्ज़ावा मूवी के सॉन्ग पे इसका वीडियो एक किसी भाई ने अपलोड किया था और काफी तेजी से वायरल हुआ था। लेकिन ट्विस्ट कब आया, जब इसके साथ इस बंदे ने यानी कि पवन भाई का डुएट सामने में आया, तब लोगों के दिल में थोड़ा हमदर्दी पैदा हो गया कि इतना अच्छा बंदा था और इस कंडीशन में कैसे आ गया, इसका इलाज करना चाहिए, इसे सही कर देना चाहिए, क्योंकि ये कुछ ही दिनों की बात है, दोनों का फेस मिलता जुलता है, और जहां तक लोगों का एक्सपीरियंस है कि वो जान रहे थे कि अगर इसका इलाज सही से हो तो ये ठीक भी हो सकता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ हमदर्दी के ऊपर लोगों ने इसका मदद करना स्टार्ट किया, और दूसरी चीज कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये बात जरूर था कि लोग अपने भी फायदे के लिए इनका थोड़ा बहुत यूज किया। मैं पूरी गारंटी के साथ नहीं कह सकता, क्योंकि जितने भी टिकटॉक वीडियो आए उनमें कुछ ही लोग ऐसे थे कि बिना मतलब अपने फायदे का वीडियो अपलोड कर रहे थे, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसका फायदा उठाया, या इवन कि मुझे भी आप बोल सकते हो कि इनका वीडियो मैं यूट्यूब पे डाल रहा हूं, तो एक तरह से मैं इनकी हेल्प भी कर रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे भी थोड़ी बहुत फायदा है। तो बिना फायदे के यहां यार एक लाइक नहीं देते फ्री में,
में आप टिकटॉक अगर यूज करते हुए तो आपको पता है कि बिना फायदे का फ्री का लाइक जिसका पैसा नहीं लगता, या यूट्यूब पे ही फ्री का लाइक जिसका पैसा नहीं लगता, वो तो फ्री में नहीं देते, तो हेल्प कहां से कर देंगे फ्री में। तो कुछ कुछ लोग में ही इंसानियत है जो कि किसी का फ्री में हेल्प करते हैं। सो गाइस, अगर आपको ये बात समझ आई होगी तो एक लाइक जरूर करना, क्योंकि लाइक करने के पैसे नहीं लगते। सो हमदर्दी के बेस पे लोगों ने इनका हेल्प करना शुरू किया, और इंशाल्लाह सभी लोग चाहते हैं कि हमारे एरिया में अगर इस तरह के और भी कोई बंदे हैं तो उनका बहुत ज्यादा हेल्प किया जाए। तो हम नौजवान ऐसा कर सकते हैं, यंग लोग ऐसा कर सकते हैं। अगर आपके एरिया में भी इस तरह के कोई बंदे हैं या कोई और लेडीज है तो आप उसका हेल्प कर सकते हो। यार 10-20 रुपए का उसे खाना ही दे दो, क्या बिगड़ता है। अगर उनका धुआं आपको लग गया तो जानते हो आप यहां से वहां पहुंच जाओगे तुरंत। सो जरूर हेल्प करना। अगर आपके पास एक्स्ट्रा कपड़े हैं तो उन्हें जरूर प्रोवाइड कर देना यार, हो सकता है उनका दुआ से पता नहीं कब क्या से क्या बन जाओ। क्योंकि एक मजलूम या एक मजबूर की दुआ जब किसी को लग जाती है ना, तो या तो उसे बर्बाद कर देती है या उसे आबाद कर देती है। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपने उस मजबूर या मजलूम के साथ क्या किया। अगर उसका हेल्प किया होगा तो भैया आप तो आबाद हो जाओगे। अगर आपने उसके साथ दुर्व्यवहार किया होगा, उसके साथ गलत किया होगा, उसे मारा पीटा होगा और उसने रोकर अगर दिल से दुआ कर दिया, तो भैया अगर आप करोड़पति हो ना, तो रोडपति बनने में आपको एक दिन भी टाइम नहीं लगेगा। तो इस बात को ध्यान में रखना यार, हमसे अगर नीचे कोई बंदा है तो ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करो कि हमें इस कंडीशन में रखा है, लेकिन उसके साथ गलत भी मत करना। 7 नंबर पॉइंट की बात करते हैं। लोग पूछ रहे हैं मुझसे बार बार कि ये बंदा अभी कहां पे है, तो मैं आपको पिछली वीडियो में भी दिखाया था, यहां मैं आपको बता दूं कि ये बंदा भी एनजीओ वालों के पास है। उनमें से एक भाई है जिसका नाम है रोथर जेलिस, और वो इनका इतना ख्याल रख रहे हैं, इतना ख्याल रख रहे हैं कि उसके कुछ वीडियोस को देखोगे तो यार आपका दिल खुशी से बाग बाग हो जाएगा। इंसानियत पे आपको यकीन हो जाएगा कि कोई बंदा इतना किसी का हेल्प भी कर सकता है। तो आप देख सकते हो खुद वीडियो में कि उनको पास में रखा, उनके साथ रहना सहना, उनके साथ ऐसा फ्रेंडली व्यवहार करना कि बिना इलाज का ये बंदा सही हो जाएगा। तो इन्हें सैल्यूट है हमारा। तो इनको देखकर हमारे भी दिल में ख्याल आता है कि काश हम भी इस तरह से कर पाते, लेकिन जरूर कर पाएंगे। अगर कोशिश करेंगे तो हम लोग भी किसी का हेल्प कर सकते हैं। तो यार हेल्प करने वाला बनो, ऊपर वाला सब देखता है, उसका बहुत बड़ा फल देगा। भाई इसका फुल स्टोरी क्या है, ये बंदा पहले कैसा था, फिर इसे पागल कैसे हुआ, इसे किसने धोखा दिया, यहां तक कैसे पहुंचा और यहां कैसे हुआ, तो देखो इसका फुल रियल स्टोरी अभी तक मुझे नहीं मिला है। मैं जितने भी बातें बताया था वो ऑन द बेसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन पे बताया था। मुझे बहुत सारे लोगों ने हेल्प किया था इसका इन्फॉर्मेशन देने में, जो कि 80% सही था, 20% उसमें अभी भी शक था। तो देखो इसका रियल स्टोरी मुझे जब तक उसका फैमिली वाले से पता नहीं चलता मैं आपको नहीं बता सकता। तो इसका फुल स्टोरी मैं बताऊंगा, हालांकि इसका मैंने जितना भी स्टोरी बताया 80% सही है, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। सो वो वीडियो आएगी, वो वीडियो रियल वाला देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि वीडियो आए तो आपसे मिस ना हो सके। बहुत सारे लोग ये एक सवाल करते हैं कुछ दिनों से, ये जब बंदा ठीक हो जाएगा तो क्या सभी को भूल जाएगा। लेकिन ये सवाल भी वाजिब है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना जिसका मजबूरी में कोई साथ देते हैं और वो बंदा जब ठीक हो जाता है तो उसे भूल जाते हैं। कोई बंदा जब जीरो पे रहता है आप उसे हीरो बना दो तो आपको भूल जाता है। तो ये दुनियादारी की रीत है, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं। और तो यार देखो ये बंदे के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हमें नहीं लगता कि जिन्होंने इसका इतना हेल्प किया, खास करके वानी जबलपुरिया, साहिल भाई और रोथर जेलिस भाई, इन तीनों ने इनका इतना हेल्प किया जितना किसी ने हेल्प नहीं किया। वो लोग बिना किसी एस्पेक्ट के, बिना किसी खुदगर्जी के इनका हेल्प किया था, ठीक है। तो देखो ये बंदे के ऊपर डिपेंड करता है, और यहां तक तो सबूत भी है ना कि इनके साथ क्या क्या हो रहा है। तो हो सकता है ये बंदा ठीक हो जाए तो उस वीडियो सबको जब देखेगा तो उसके आंखों में आंसू के अलावा और कुछ नहीं आ सकता, और 200% गारंटी के साथ कहता हूं कि वो भूल नहीं सकता, नहीं भूलेगा यार। बस पॉजिटिव थिंक रखना चाहिए हमें। तो यार यही चीज, यही कुछ सवालों के जवाब के साथ मैं आया था। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। और भी इसके ऊपर रियल स्टोरी आनी बाकी है गाइस, मैं जब तक इसका रियल स्टोरी बना नहीं देता दम नहीं लेने वाला। सो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि इसका रियल स्टोरी जब आए तो आपसे मिस ना हो सके। सो मिलते हैं इस तरह के और इंटरेस्टिंग एंड अपडेटेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय-बाय, अपना ख्याल रखिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। और हां, हंसते मुस्कुराते तो रहोगे भाई, लाइक करके, शेयर करके और सब्सक्राइब करके ही जाना, हमें पता है आप जरूर करोगे।